हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सर्स। और आज ये वीडियो मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में एक यूजर ने हमें कमेंट करी थी कि हम लोगों ने ये जो अमेजोन क्लोन क्रिएट करी है उसमें साइन इन के टाइम पर कुछ एरर आ रही है। और वो एरर क्या थी, उस यूजर ने हमें बताया था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन डालकर कंटिन्यू करेंगे और फिर हम लोग हमारे पेज को रिफ्रेश करेंगे, फिर भी यहाँ पर यूजर लॉग इन हो जाता है। तो हम लोग उसे एक बार चेक करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार एक ईमेल ऐड करके देखता हूँ। यहाँ पर होगा ये ईमेल और यहाँ पर मैं उसका जो पासवर्ड होगा वो गलत एंटर करता हूँ और इस कंटिन्यू के ऊपर करूंगा मैं क्लिक। तो यहाँ पर हमें एक अलर्ट शो हो चुका है, इनवैलिड डिटेल्स, मतलब कि हाँ ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर जाकर इसे करेंगे रिफ्रेश, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर की इन्फॉर्मेशन जो थी वो हम लोगों ने गलत एंटर करी थी, मतलब कि हमारा पासवर्ड सही नहीं था, फिर भी यहाँ पर यूजर ऐड हो चुका है और वो एरर हमें आई है। तो वो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो जाएंगे हमारे वीएस कोड पर यहाँ पर, और हम लोग हमारे सर्वर के पार्ट पर जाएंगे, हमारे रूट्स के अंदर, राउटर डॉट जेएस के अंदर। और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने लॉग इन एपीआई क्रिएट करी थी, ठीक उसके अंदर हम लोग यहाँ पर उसे चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करवाते हैं कि जैसे ही अगर यूजर का ईमेल अगर हमें यहाँ पर मैच हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर पासवर्ड को कंपेयर करवाएंगे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पासवर्ड तो कंपेयर करवा दिया, लेकिन पासवर्ड कंपेयर होने के बाद हमें एक वैलिड यूजर मिलेगा और उसका जो कोड था वो ये रहा कि अगर यहाँ पर यूजर वैलिड ना हो तो हम लोग उसे पास करेंगे इनवैलिड डिटेल्स, और अगर यूजर यहाँ पर वैलिड हो जाता है तो हम लोग उसे ये स्टेटस 201 और यहाँ से यूजर लॉगिन को पास करेंगे। मतलब कि ये पूरा एकदम परफेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई कि हम लोगों ने ईमेल एकदम सही एंटर कर लिया लेकिन पासवर्ड यहाँ पर गलत था, फिर भी यहाँ पर डेटा इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि ये जो कोड हम लोगों ने जो लिखा है टोकन जनरेट और रिस्पॉन्स डॉट कुकी, वो हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना, वो पासवर्ड को मैच होने पर ही ऐड करना है। तो इसे यहाँ से मैं हटाऊंगा और उसे ऐड कर दूंगा हमारे इस एल्स ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं कर देता हूँ उसे पेस्ट और यहाँ पर उसे करूंगा मैं सेव, और एक और बार मैं उसे चेक कर लूंगा कि क्या ये अब प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। तो अगर यहाँ पर मैं जाऊं और हमारी उस कुकी को यहाँ से मैं करूंगा रिमूव, तो इसे यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव और इसे करूंगा मैं रिफ्रेश। एक और बार हम लोग इसे लॉगिन करके देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं करता हूँ टेस्ट 7 और फिर से एक और बार मैं पासवर्ड को गलत एंटर करता हूँ। यहाँ पर इनवैलिड डिटेल्स हमें मैसेज शो हो चुका है और हम लोग एक बार रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो अब हमें यहाँ पर उस यूजर का जो नेम था वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा और कार्ड के ऊपर भी वो बैज आइकन हमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा, मतलब कि वो जो एरर थी वो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दी है। और एरर कुछ नहीं थी, बस हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दी थी कि जो टोकन हम लोगों को इस एल्स ब्लॉक के अंदर जनरेट करवाना था वो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर जनरेट करवा दिया था, बाकी ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट था। और मैंने जो आप लोगों को जो सोर्स कोड दिया है वहां पर भी मैं इसे अपडेट कर दूंगा। और फाइनली ये हमारा जो प्रोजेक्ट था वो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है और मैं बहुत ही जल्द एक रेडक्स ई कॉमर्स कार्ड का एक प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।